नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूँ राकेश तारा, लेके हूँ टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। इलेक्शन की बात करें तो बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है इस इलेक्शन में भाग ले रहे हैं। बात करें पूर्व मंत्री शबीर खान की, तो वो भी डीडीसी का इलेक्शन कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा लोगों से कि आपने मुझे जिस तरह से एमएलए जिताया था और मैं मंत्री बना था, मैंने जो काम करवाए थे वो काम वहीं तक हैं। वो लोगों आगे जो पार्टी में जीत कर लोग आए जिनकी सरकार थी, उन्होंने उन कामों को छेड़ा तक नहीं। मुझे वोट दीजिए, सपोर्ट दीजिए और मैं उन कामों को जो है पूरा कर सकूं। मैंने जो है वो नॉमिनेशन पेपर जो है वो अपने फाइल किए हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए, और मैं अपने जितने भी लोग मेरे इस वक्त साथ आए हैं मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने हमारे पेंचेज हैं, सरपंचज हजरात हैं और ख़ासकर हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी के बड़े जूनियर लीडर्स जो हैं मेरे साथ हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत मशकूर हूँ और ख़ासकर आपका मीडिया का भी मशकूर हूँ कि आप यहाँ पे आए और आपने ये पूरी कवरेज जो है हमारी जो है वो की है। हमारी जो हैं बीजी से ले कर मैं कहूँगा कि प्रयाली तक ये बॉर्डर के साथ पड़ती हैं और इन लोगों के जो हैं वो बड़े मसाइल हैं। कितनी कीमती जानें हमारी नुकसान हो गई, कितने माल मवेशी, कितनी फसलें ज़ाया हो गई, लेकिन कोई किसी तरह से इन लोगों को जो है वो रात जो है वो नहीं मिली। तो अब लोगों ने एक मुश्तरका जो है वो फैसला किया था और मेरी पार्टी ने जो है मुझ पर यकीन किया और मुझे मैंडेट दिया, और मेरे पार्टी के जो सीनियर लोग जो मेरे साथ हैं इस वक्त, मैं आप सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए इंशाल्लाह मैं जो है वो दिन रात एक करके यहाँ की तामीर और तरक्की करूंगा। और इंजीनियर नसार खान पीएचडी विवाद से हुए 2019 में रिटायर, अब करना चाहते हैं लोगों के काम। और उन्होंने कहा एक बार विश्वास करके देखो, जो पैसा डेवलपमेंट के लिए आएगा वह ग्राउंड पर लगेगा। जी, जो लोग आजमाए हुए हैं उनसे बेहतर काम करूंगा। एक बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता हूं और बॉर्डर इलाके को बिलोंग करता हूं। यहां बीइंग ए लोकल फ्रॉम द बॉर्डर एरिया, यहां की बड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं लोग। यहां पे जो बॉर्डर में रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत नाकस इंफ्रास्ट्रक्चर है। आदमी अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल में लाते लाते उसकी डेथ रास्ते में हो जाएगी। रीज़न ये है कि टूटी फूटी रोडें हैं और वो जो बीमार आदमी है वो रोडों का रास्ते में आते हुए ही वो इतनी तकलीफ़ हो जाती है कि वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ पे शेलिंग आए दिन होती है जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों का काफ़ी जानी और माली नुकसान होता है। शिवसेना और डोगरा फ्रंट अशोक गुप्ता ने पाकिस्तान और इमरान खान महबूबा मुफ्ती का फूका पुतला, कहा पाकिस्तान डीडीसी इलेक्शन में खलबली मचाना चाहता है लेकिन हमारी फोर्स उसे मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। सीधा निशाना साधा इमरान खान और महबूबा मुफ्ती पर, कहा कहीं ना कहीं गुपकार अलायंस जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का गुणगान कर रहा है, ये भारत सहन नहीं करेगा। जो भारत के हित के लिए बात नहीं करेगा उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। इमरान खान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। सर आज ये जो पाकिस्तान का पुतला फूका है झंडा, और इमरान खान और महबूबा मुफ्ती का, ये दर्शाने का प्रयास हो रहा है किस तरह से एक साजिश के माध्यम से, एक साजिश गुपकार अंदर से कर रहा है, महबूबा मुफ्ती कर रही है। जो तिरंगे को हम सम्मान नहीं देंगे, ये तिरंगा हमने उठाया हुआ है, सम्मान मिल रहा है। और दूसरा उधर से पाकिस्तान चाइना पीछे है और मिल करके ये सारी साजिश हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं, और ख़ास करके सुरक्षा बलों ने, खास करके जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, खास करके आईजी जम्मू ने जिस तरह के खुद वहां जाकर के निरीक्षण करा है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और ये जो एक घटना घटी है इसका विरोध कर रहे हैं, और गुपकार गैंग इसको पकड़ करके आप तिहाड़ जेल में बंद करो, चुनाव वुनाव होते जाएंगे, लेकिन आज देश का प्रश्न है, आज पहले देश है फिर चुनाव है, और ये जो साजिश रची जा रही है ये चुनाव को समाप्त करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। इसलिए मैं स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ, गुपकार गैंग पाकिस्तान के साथ मिल गया है। आज शाम बसीन की बात करें तो कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 47 के, उन्होंने लोगों से बातचीत की और समझाया कि पेंशन और डोमिसाइल किस तरह से
तैयार हुए हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, जिनके नहीं बने हैं वो हमसे संपर्क करें और उनके डोमिसाइल और पेंशन भी लगवाएंगे। उन्होंने दावा किया कि 200 के करीब मैंने लोगों की पेंशन लगवाई और डोमिसाइल बुलाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जम्मू मेयर की बात करें तो हम उनसे काम लेंगे, लेकिन हमें एक साथ उतरना होगा मैदान पर, क्योंकि हमने अपनी वार्ड नंबर 48 में काम करवाने हैं। जी हाँ, आप लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर की जाएंगी। मैं श्यामलाल बसन, कारपेट वार्ड नंबर 48, जैसे कि आज एक कैंप लगाया था हमने, 126 लोगों की पेंशन, जो न्यू पेंशन लगी है कोरोना काल के टाइम में, मैंने घर घर जाके फॉर्म भरे थे उनके और खुद ही सारी फॉर्मेलिटी पूरी की थी, चाहे वो पटवारी से लेकर इनकम सर्टिफिकेट बनाना था, पटवारी नैब सिला तहसीलदार तक, उधर से डॉक्टर साहब के पास जो अटेस्टेशन लेनी थी एज की, और उसके बाद सुपरवाइज़र की बात करें, उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर की बात करें, जितनी भी फॉर्मेलिटी थी वो मैंने खुद करवाई। और आज मुझे खुशी है कि उनमें जो जितने भी जो गरीब लोग थे, चाहे वो हैंडीकैप थे, चाहे वो बेचारी विडो थी, चाहे वो बेचारे ओल्ड एज मतलब थे, जो उम्रदराज लोग थे, उन सभी को आज पेंशन के बारे में सुनकर उनको बहुत ज़्यादा खुशी भी इस बात की महसूस हुई। और मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो कोरोना काल का पीरियड था, बहुत ही ज़्यादा लोगों को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया, और मैं जितना हो सकता था, मैं जहाँ एक मिसाल दूंगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल को जन्मदिन था, उसी दिन मैंने 200 लोगों को फ्री राशन बांटा था। उसके बाद भी जो हमारे बाहर से मजदूर आए थे, दियों को नकद पैसा दे के हमने बाहर उनको भेजा था। पेंशन आने कापी दिंदे तो ये थोड़ी पेंशन लगी है ना कापी, हूँ वो चीज़ नहीं है, राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार की बात करें तो हमेशा वो देश हित के लिए प्रदर्शन करते रहते हैं, जो देश हित के लिए होता है। अगर बात की जाए तो आज उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया, कहा होने नहीं देंगे आतंकियों को कामयाब, बजरंग दल देश के लिए दे सकता है जान और ले भी सकता है आतंकियों की जान, इस पाकिस्तान का पुतला फूका और देश के प्रति जो नहीं करेगा काम उसका होगा बुरा अंजाम। कल टोल प्लाजा बंद में आतंकवादियों को हमारी सेनाओं ने, शस्त्र बलों ने, पुलिस ने मार गिराया, एक बड़ी कामयाबी है। हम अपनी पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी को बधाई देते हैं कि ये अगर आतंकवादी जहां इनको टारगेट मिला था वहां पर अगर पहुंच जाते, जिस प्रकार से इनके पास से हथियारों का जखीरा मिला है, यह बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हमारी सेनाओं का करते, हमारे देश का करते। लेकिन हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, आर्मी ने इनको रास्ते में ही मार गिराया। इससे पता चलता है कि हमारे सशस्त्र सैनिक, हमारी पुलिस कितनी सतर्क है। इस समय हमारा देश इनके हाथों में सुरक्षित है, क्योंकि अगर ये कश्मीर में पहुंच जाते या इनको जहां टारगेट मिला था, तो ये बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हमारे भारत देश का करते। लेकिन हम बता दें कि जो हमारी सेनाएं हैं वो बॉर्डर पर भी सतर्क हैं, कश्मीर के अंदर पाकिस्तान जो आतंकवाद की मशीन है। जम्मू में आतंकियों की मुठभेड़ के बाद जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा, हर व्यक्ति, हर देशवासी कर रहा है प्रदर्शन की पाकिस्तान क्यों इस तरह की हरकत करता है, और उसे जवाब देती है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स के भी नारे लगाए कि जिंदाबाद रहे, जो कि अपने देश के प्रति हर वक्त सतर्क रहते हैं। जी हाँ, उन्होंने पुतला फूंका पाकिस्तान और इमरान खान का, और कहा कि घुसपैठ कराने की कोशिश करने करेगा तो उसे हमारी सिक्योरिटी फोर्स दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। अगर बात की जाए तो ये हिंदुस्तान है, इसमें वातावरण खराब करने को किसी को भी नहीं है अधिकार। लेके रहेंगे, बीओके लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, बीओके लेके रहेंगे, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय।
पाक प्रस्त आतंकवादी यहां पर जम्मू कश्मीर का एक माहौल खराब करना चाहते थे। उनको हमारे जो वीर जवान हैं वो चाहे जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, सीआरपी हो और पैरामिलिट्री हो, उन्होंने उनको कुत्तों की तरह मारा है। और जितने भी वहां से जितने भी मिलिटेंट आएंगे जो शांति खराब करना चाहते हैं उनको हम ऐसे ही कुत्तों की तरह मार के भगाएंगे। और आज हम यहां पर पाकिस्तान का जो आतंकवादियों का नाका आका है इमरान खान, आज ओबीसी मोर्चा ने उनका यहाँ पर पुतला जलाया। और हम उनको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पर आएंगे हम उतने ही वहाँ उनको मारेंगे। और साथ में जो यहाँ पर गद्दार गैंग का एक ग्रुप बना है, तीन परिवारों का एक ग्रुप बना है, हम उनको भी चेतावनी देना चाहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर का माहौल जो खराब कर रहे हैं और जो हमारी यहाँ भाईचारा है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बच्चों को तो वो सीएम पीएम बनते देखना चाहते हैं, पर जहां हमारे जो कश्मीरी युवा हैं उनको बंदूक के और पत्थर हाथ में देते हैं, इतना कहते हुए उनका यह मकसद हम कभी पूरा नहीं होने देगा। भाजपा ओबीसी मोर्चा करेंगे म्युनिसिपैलिटी जम्मू की। तो अजय गुप्ता ने अपनी वार्ड भवन में जो कि तारकोल बिछाया, रोडों को किया साफ और कहा कि हर घर तक हर रोड को मैं करूंगा साफ और तारकोल बिछाकर एक नई दिशा दूंगा रोडों को। और उन्होंने कहा कि हर प्रयास है कि मैं अपनी वार्ड में अच्छे से अच्छा काम करूं और लोगों को जो गंदगी का सामना करना पड़ता है उससे निजात दिलाऊं। आज अजय गुप्ता ने यह कहा कि मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि लोगों ने मुझे जताया है और मैं लोगों का विश्वास जो है कभी टूटने नहीं दूंगा। और खासकर जिस तरह से अगर कोविड-19 की बात करें, जिस तरह से महामारी थी, तो मैंने भरपूर कोशिश करके अपनी वार्ड को साफ रखा और अब मैं उसमें डेवलपमेंट कराना चाहता हूं और कराऊंगा। इसमें उन्होंने हमारे चैनल से बात करते हुए कहा कि जम्मू मेयर चंद्रमोहन से अपील करता हूं कि मेरी वार्ड नंबर 52 पर खास ध्यान रखा काफी होनी चाहिए। और इसी के विषय में मुझे आज पीडब्ल्यूडी की तरफ से ये जो ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया गया है और मुझे लगता है कि आज यहाँ की एक लेन को मैं क्लियर कर पाया हूँ या कर रहा हूँ। आगे जो प्रवीण कॉलोनी का जो बकाया हिस्सा है उसको भी मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि उनको ब्लैक टॉपिंग जो रह गई है बकाया वो भी हो जाएगी। कुछ तस्वीरें जेके न्यूज ब्रेक आपको बताएगा। जी हाँ, आतंकियों ने बारूद लाया था हलचल मचाने के लिए, लेकिन हमारी इंडियन फोर्स ने उन्हें किया रिकवर्ड। और आइए बताते हैं रिकवर्ड हुई असले की तस्वीरें। कश्मीरी माइग्रेंट अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को 2 महीने होने को है, सरकार का कोई भी रवैया उनके हक में नहीं। आई वांट जस्टिस, आई वांट जस्टिस, यू वांट जस्टिस, यू वांट जस्टिस, जस्टिस जस्टिस, वी वांट जस्टिस। कसम दिया था कि 15 दिन के अंदर आप इस लिस्ट को हम देख लेंगे, आपका समाधान करेंगे हम, लेकिन आज हमें 2 महीने यहाँ 50 दिन हो गए हैं, उस लिस्ट का अभी तक समाधान नहीं किया। फिर ये सिमरनदीप सर ने भी हमें आश्वासन दिया था जैसे सेक्रेट ओपन होगा हम आपको बुलाएंगे और अपने डिपार्टमेंट के भी जो लोग हैं उनके सामने बैठ के जो भी आपकी आपकी जो फाइल है उसको देख के जो भी समाधान होगा हम वो करेंगे, लेकिन वो आश्वासन भी आश्वासन की जगह हम उसी आश्वासन पर यहाँ पे बैठे हुए हैं कि कब वो हमारी डिमांड्स को सुनेंगे। हमारी आइए दिखाते हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बाजार की तस्वीरें। लोग नहीं कर रहे SOP की पालना, एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं दे रही ध्यान, कोविड-19 खत्म नहीं हुआ। आप लापरवाही करेंगे तो देश को फिर गहरे संकट में डाल सकते हैं, इसलिए लोगों को SOP की पालना करनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को भी लगातार खासकर मार्केट में करना चाहिए चालान जो मास्क का नहीं करता उपयोग। यूनुस एडवोकेट है, रानी साहब मारो दुश्मन नहीं। Thank you.
जेके न्यूज ब्रेक हमेशा जो है जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट दी जाती है वुमेन को, तो हमेशा जो है यही प्रयास रहता है कि लोगों तक पहुंचाया जाए। आज जिस तक पहुंच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर शहराज रफीक चिश्ती ने नॉमिनेशन भरा और जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कहा, मैं डेवलपमेंट चाहती हूं, इसलिए बीजेपी की तरफ से बीडीसी का इलेक्शन लड़ने जा रही हूं, और कहा कि मुझे डेवलपमेंट चाहिए और मैं पुंछ की एक बेटी हूं और मैं चाहती हूं कि मेरे पुंछ में जो है जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहां पर डेवलपमेंट हो और खासकर वुमेन एम्पावरमेंट जो हो, और इसलिए मैं ये इलेक्शन लड़ रही हूं और भाजपा के बैनर के नीचे। और उन्होंने जेके न्यूज से बात करते हुए कहा कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, पार्टी जो डेवलपमेंट करती है उसका साथ देना ही भारतवासी का फर्ज बनता है, और मैं अपनी महिलाओं के लिए वुमेन एम्पावरमेंट को और बढ़ाना चाहती हूं, इसलिए ये इलेक्शन लड़कर अपने पुंछ की जो महिलाएं हैं उनको एम्पावरमेंट दूंगी और डेवलपमेंट कराऊंगी, इसलिए मैंने भाजपा का दामन थामा है। हम सब लोगों ने इनको मजबूर किया है कि वो ये चुनाव लड़े, क्योंकि अगर अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे तो वही हर बार लूट करने वाले आदमी आगे आए। इस वक्त हमारे साथ हैं शहराज रफीक चिश्ती। आज आपने साईं बाबा अली साहब पंच ब्लॉक से अपना नॉमिनेशन फॉर्म बीजेपी कर दिया, तो क्या कहेंगे इस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स है? मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज़।